हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी गेहूं के आटे का नाश्ता। इसके लिए हमने 2 कप गेहूं का आटा, नमक और ये कैरम सीड्स यानी अजवाइन ली है 1 छोटी चम्मच। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल या घी, तो 2 से 3 चम्मच लेंगे या फिर जितना मोइन हमारा लगे उतना हमें लेना है, क्योंकि हम इन्हें खस्ता बनाने वाले हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और इसके बाद एक सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे। तो ये इस तरह से एक लड्डू फॉर्म में बनना चाहिए, इस तरह से देखिए। तो इस नाश्ते को हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं, आप चाहें तो मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम नॉर्मल पानी डालेंगे और एक सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी सख्त हमारा एक आटा लगकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसे छोड़ देंगे साइड में ग्रीस होने के लिए। तो आटा हमारा अब रेस्ट करेगा। अब एक बाउल लेंगे, इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ अनियन, चॉप किया हुआ गाजर, स्वीट कॉर्न ले लेंगे 2 से 3 चम्मच के लगभग, 1 कटी हुई शिमला मिर्च ली है हमने, यहाँ पर 1 कटा हुआ टमाटर लिया हमने, इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए शेजवान चटनी ली है 1 छोटी चम्मच, मतलब जो घर की नॉर्मल चम्मच होती है, और 1 ही चम्मच हमने ली है मेयोनीज। यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें डाल देंगे ओरिगैनो, मिक्स हर्ब्स, तो जो भी पिज़्ज़ा सीज़लिंग है वो सब हम इसमें डाल देंगे। इंडियन मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है हमको, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि सॉसेस में नमक होता है, अगर आपको थोड़ा कम लग रहा हो तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मिक्सचर हो चुका है रेडी, आटे ने भी बहुत ही बढ़िया से रेस्ट कर लिया है, इसको एक बार नीट कर लेंगे हम। और हम बनाने वाले हैं यहाँ पर आटे की बहुत ही टेस्टी कुल्हड़ पिज़्ज़ा। तो कुल्हड़ बनाने के लिए हम ये आटा लगाए हैं और स्टफिंग हमने बना कर रख ली है। तो चलिए इसका एक पोर्शन या एक लोई कट कर लेते हैं। यहाँ पर एक हमने बड़े साइज़ का लोई कट कर लिया है, 1 से 2 कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनकर तैयार होंगे। अब हम इसको बेलेंगे, तो 1 लोई से 2 पिज़्ज़ा बनकर तैयार होंगे, मतलब कि 2 पिज़्ज़ा कुल्हड़ बनेंगे। तो आप इसे पतला पतला बेल दें, बहुत मोटा या बहुत पतला नहीं रखना है, मीडियम रखना है हमको। तो काफ़ी अच्छी तरह से हम इसको बेल देते हैं। तो काफ़ी अच्छे से हमने पतली सी शीट बना ली है। अब हम इसे बीच से कट करेंगे। तो बीच से कट करने से ये देखिए 2 प्रकार के इसमें कुल्हड़ बन जाएंगे, 2 कुल्हड़ बनेंगे। और कुल्हड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये गिलास का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी गिलास हो वो आप अवेलेबल हो, वो पसंद करते हो, छोटी बड़ी अपने हिसाब से आप ले लें और थोड़ा सा उसमें ऑयल लगा लें जिससे कि ये आसानी से बाहर निकल जाए। और इसको इस तरह से हमें सेट कर देना है। तो ये देखिए इसी तरह से हमारे ये जो कुल्हड़ बनते हैं ना पिज़्ज़ा वाले, वो हम इस तरह से बना सकते हैं, तो हम बाहर और अंदर दोनों ही तरफ खा सकेंगे, कुछ भी चीज़ वेस्टेज नहीं जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा दबा दें अच्छे तरीके से जिससे कि ये खुले ना, आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं कि जिससे ये फ्राई करते समय खुले नहीं। इसी तरह से हम एक और बना लेंगे और अब हम इसमें ना इस तरह से फोक से छेद कर लेंगे जिससे कि फ्राई करते समय ये फूले ना और अच्छी तरह से सभी तरफ फ्राई हो जाए, क्रिस्प हो जाए, खस्ता हो जाए। तो ये देखिए इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से फोक से कट कर लिया है, आप चाकू से भी कर सकते हैं लेकिन फोक से काफ़ी अच्छे से हो जाता है। अब यहाँ पर हमने तेल को कर दिया है गरम, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है, जैसे कि हम पापड़, समोसा या फिर खस्ता चीज़ें बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, जैसे कि ये अंदर तक खस्ता हो जाए, बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। और गिलासों को हमें इसी तरह से रहने देना है, ये अपने आप ही छूट जाएंगी। ऊपर से भी तेल लगा देंगे जिससे कि अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। तो हम इसे इसी तरह से बीच बीच में टर्न करते रहेंगे, ऊपर से ऑयल लगाते रहेंगे जैसे कि सभी तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से खस्ता और कुरकुरी बने। ये बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, इन्हें बच्चों की किटी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में कभी भी आप इन्हें बना के दे सकते हैं। ये देखिए मैं इन्हें घुमा घुमा कर फ्राई कर रही हूँ जैसे कि कहीं से भी कच्चा ना रह जाए।
अब इसको आप इस तरह से छुड़ाएंगे तो ये अपने आप ही छूट जाएगा। बहुत जल्दी ना छुड़ाएं, नहीं तो फिर क्या होगा ना, इससे सेफ जो है इनकी गड़बड़ हो जाएगी। मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा जल्दी ही इनको छुड़ा दिया तो हल्के से टेढ़े मेढ़े हो गए थे, लेकिन आप एकदम खस्ता होने तक फ्राई करें, बाद में ग्लास निकालें। तो देखिए अंदर तक कुक करना है हमको, तो अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डीप करके फ्राई करना हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद अगर आप इन्हें निकालते तो ये थोड़े से टेढ़े ना होते, तो मैंने जो नेक्स्ट बनाया था वो बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होता, क्योंकि मैंने उन्हें ज़्यादा देर के लिए फ्राई किया था। तो ये देखिए ये वाला बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं हुआ है, बहुत ही बढ़िया से हमारी कुल्हड़ तैयार है। अब यहाँ पर हम ये स्टफिंग को इसमें भर देंगे। बहुत ही यमी ये बनकर तैयार होता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इतने में हमारी 2 ही कुल्हड़ भर पाई हैं। आप और ज़्यादा स्टफिंग बना सकते हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा भर भर के लग रहा हो तो आप छोटे साइज़ की गिलास बना लें। तो देखिए स्टफिंग को हमने भर दिया है, ऊपर से हम डाल देंगे चीज़, क्योंकि पिज़्ज़ा में चीज़ ना जाए तो फिर वो अधूरा सा लगेगा। तो किसने ये इस तरह से कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाकर तैयार किया है या फिर मार्केट का कुल्हड़ पिज़्ज़ा ट्राई किया है, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने यहाँ पर बना दिया है कुल्हड़ को, पिज़्ज़ा को चीज़ भी रख दिया है। थोड़े से हम इसमें शिमला मिर्च, टमाटर और जो भी वेजीज है वो छोटे छोटे टुकड़े में हम इनको रख देंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगी लुक वाइज। हम इसमें थोड़ा सा कॉर्न वगैरह भी लगा देंगे। यहाँ पर मेरे पास ऑलिव्स भी थे तो मैंने लगा दिए हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर दें। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा ये चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, मिक्सअप्स और चीज़ को मेल्ट करने के लिए गर्मा गर्म जो हमने तेल किया था ना, जिसमें हमने कुल्हड़ बनाई थी, वही ऊपर से लगा देंगे जिससे कि थोड़ी सी चीज़ मेल्ट हो जाए। आप चाहें तो इन्हें माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं 1 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी कुल्हड़ पिज़्ज़ा। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।